अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। की हालचाल, मैं हूं आपका अपना राणा फहीम। जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो आज का ब्लॉग आगाज करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी उठे हैं और जाना भी हमने काम पे है। तो काम पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम पे जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम होते हैं तैयार, रेडी होने के लिए निकाल लिए हमने कपड़े। तो चलो अब से जल्दी जल्दी से हम कपड़े पहनते हैं। तो जी तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होता है हमारा नाश्ता करना। तो चलो अब नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद फिर जाएंगे हम काम पे। तो लो जी रेडी हो चुके हैं, नाश्ता भी कर लिया है, तो अब निकलते हैं हम जॉब के लिए। तो भाई लोग सीन ऐसे है कि हम रेडी हो चुके हैं, रेडी हो के आ गए हैं हम नीचे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है वर्किंग पे। तो हमारी BMW ये खड़ी है, हमारी BMW, अभी BMW देते हैं। तो निकलते हैं अभी जॉब के लिए। यार ये हमारे साथ बड़ी ज्यादा हुई है, घर से निकले तो बिल्कुल धूप थी और यहाँ देखो थोड़ा सा दूर आए हैं तो भाई धुंध पड़ रही है। ये तो गलत बात है ना यार, मौसम हमें पहले बता दिया करो कैसे रहना है। भाई हम थोड़ा और आगे हैं तो और ज़्यादा धुंध है, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। मैंने जैकेट भी नहीं पहनी हुई इतनी शदीद सर्दी में, भाई जीरो विजिबिलिटी है, कैसे बाइक चलानी है हमने। पहले एक सीन ऐसे है कि अभी वर्किंग से हो चुके हैं फ्री, क्योंकि सुबह हमारे साथ हो गया प्रैंक। सुबह भाई घर से निकले थे, धूप थी तो मैंने जैकेट वैकेट नहीं पहनी, जर्सी पहन के आ गया था। तो रस्ते में तो भाई इंतहाई धुंध मिली और यकीन करो जीरो विजिबिलिटी थी भाई, बहुत लेट पहुंचे काम पे भी और सर्दी इतनी थी कि भाई जान हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और अब धूप निकल आई है, अब काम शाम भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद हम जाने लगे वापस घर। तो भाई लोग सीन ऐसे कि मुल्तान पहुंच चुके हैं, तो अभी हमें अम्मी ने कहा था आटा लेके आने को और कुछ दवाइयाँ लें, तो वो ले लें, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ मेडिकल स्टोर पर, मेडिसिन ले ली है। अब हमने यहाँ से आटा और चावल लेने हैं, ये शॉप है जहाँ से आटा और चावल लेंगे, तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर। तो भाई सीन ऐसे है कि अभी हम घर पहुँच चुके हैं, ये चावल और ये आटा लेके, और ये लोग दो तीन बाद घर आए हैं। हाँ भाई दो दिन बाद आ गए नानी के घर से, मज़ा कर रहा है फिर, स्कूल जा रहे थे नहीं जा रहे थे, जा रहे थे। हाँ भाई आ गए आज फिर भाई तीनों भाई, ये लोग दो तीन दिन से घर ही नहीं थे, अभी आए हैं, चलो अब घर चलते हैं। सीन ऐसे है कि घर आ चुके हैं, आटा और चावल रख दिए हैं। और भाई आटा माशाल्लाह ये कोई 20 दिन में या 25 दिन में तीसरी बार आ रहा है, पहले दिन गया था 1300 कुछ का था, फिर 1700 कुछ का हो गया, आज माशाल्लाह 2000 से ऊपर का मिला है। पहले की हुकूमतें कहती थी भी गरीबी ख़त्म करनी है, मुझे लगता है ये हुकूमत कह रही है गरीबी ख़त्म कर दे रहे हैं पाकिस्तान से ना, जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है ना, एक दिन मुझे लग रहा है रोटी भी खाने को नहीं मिलनी। बात तो सही है, गरीबी ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा भाई, यही हालात लग रही है भाई हुकूमत के ना। चलो भाई अब हम चेंज करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और फिर खाना खाते हैं, भूख भी लग रही है। ये सीन ऐसे है कि फ्रेश हो गए हैं, चेंज भी कर लिया है, हाथ मुंह धो लिया है, तो अब खाना खाते हैं। खाने में क्या है, खाने में हमारे पास जी आज बने हुए हैं आलू और चने, और खाते हैं इसको, बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमें, तो खाने के बाद मिलते हैं। तो भाई हम खाना खा के ऊपर आ चुके थे धूप के लिए, तो वली साहब भी इतनी देर में आ गए हैं। वली क्या खा रहा है, टाफी खा रहा है, टाफी अकेले अकेले खा ली, मुझे तो दी नहीं है, हैं किधर जा रहा है। तो भाई ये हमारे ट्राउजर सब ऊपर लटके हुए हैं, ठीक है, धूप ले रहे हैं। ये इसको कोई जानता है, हेलो भाई कौन हो भाई तुम, हेलो हेलो, ओ भाई जमीन में गुजरे हो, कौन हो भाई, हम चोर हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, चोर हो, क्या चोरी किया आपने, डंडा चोरी कर लिया, कौन सा डंडा चोरी कर लिया भाई, किसका डंडा चोरी कर लिया, प्लीज को बुलाओ भाई, चोर आ गया भाई हमारे घर भाई। मैंने आप लोग का डंडा चोरी कर दिया, रुक जा अभी डंडे से तेरी पिटाई करते हैं, रुक जा। तो ये मेरे साथ ऊपर आ तो जाते हैं लेकिन इनको संभालना बहुत मुश्किल है, इसके काम देख लो, ये देखो ये क्या कर रहा है, हेलो क्या कर रहे हो, बूतर उठा रहे हो, बूतर बूतर उड़ा रहे हो, बूतर उड़ा रहे हो, पैन के लिकड़ बूतर बाज। भाई इसके सुन लो ये क्या कर रहा है, क्या करना है, हैं ऊपर चढ़ाऊं, ऊपर चढ़ाऊं पैन के लकड़ को ऊपर चढ़ाऊं, चलो भाई ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ो चढ़ो, वाली बहुत बजनी हो गया है, लो वाली साहब ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हो, मैं आपको पकड़ के रखता हूँ, गिर ना जाना, हेलो हाँ जी मामू, क्या गिर गई है, बग्गी, कौन बग्गी है, बग्गी, चलो आप नीचे आ जाओ, गिर जाओगे आप,
हेलो नीचे आ जा, ओए नीचे आ जा, ओए क्या कर रहा है? कौन आ गया नीचे? चल आ जा नीचे, आ जा आ जा नीचे, आ जा आ गया नीचे। लेकिन ऐसे है कि मैं अभी बैठा हुआ व्लॉग एडिट कर रहा था जो मैंने अभी अपलोड करना है, तो उतनी देर में देखो भाई छत का क्या हाल कर दिया है एक बंदे ने। मैं आपको दिखाता हूँ अभी छत का हाल। ये देखो ये छत पे ना कुछ चीज़ें घर वालों ने सेट करके जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ रखी हुई है, ये सोलर वाली प्लेट जो गर्मियों में यूज़ होगी, स्टैंड फजूल, ये पुराना चूल्हा फेंका हुआ है, ठीक है, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ये किस बंदे ने यहाँ पे फैलाई हैं? इधर आवे, इधर आओ जल्दी, आओ इधर आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आना जरा। ये देखो ये है वो बंदा। ये गंद किसने किया है? किसने किया ये सारा गंद? वली दाऊद तो आए नहीं, दाऊद का नाम बदनाम कर रहे हो? अपने हैंड दिखाओ, हैंड दिखाओ जल्दी, सीधे करो, ऐसे ऐसे करो, हैंड ऐसे करो। ये देखो भाई इसके हाथ देख लो, करो जरा सीधे करना। ये देखो ये दूसरे दिखाओ, इसको फेंको, ये देखो गंदे, ये देख लो, ये है वो शख्स जिसने छारा गंद किया है। क्यों गंद किया है, हैं? अब ये सफाई कौन करेगा, हैं? कौन करेगा सारा साहब? नानो मारेंगी, पिटाई लगेगी आपकी क्या? आनी मारेगी? कौन मारेगा वली? आनी मारेगी कि नानो? चलो अभी वली डर गया, अब हम यहाँ बंद करते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना? अभी हम इसको लेके जाते हैं नीचे ताकि इसके हाथ धुलवाने, बहुत गंदे हो रहे हैं। भाई लोग सीन ऐसे है कि व्लॉग अपलोड कर दिया एडिट करके, सर में बहुत दर्द होने लग गया था तो अम्मा जी से बोल के सर में लगवा लिया ऑयल, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बालों की हालत को मारो इग्नोर। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर का बटन दबा दो ठोक के, ठीक है? और अगर जो लोग न्यू आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।